बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां सीधी माँ एक बेहद बड़ा घटनाक्रम भा है, जहां एक किसान के खून पसीना के मेहनत पर अज्ञात लोगन के द्वारा आग लगाए दी गई, जौने पर लगभग 250 खाड़ी के धान के गट्ठा जो रखे रहे, धान के फसल जो खरिहान में रखी रही, जल के खाक हुई गए। तो विद क्षेत्र के ये पही बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहाँ टॉपचक बताए थी कि अब धान के फसल के कटाई के दौर जारी है। ये कटाई के दौर में खरिहानन तक खेत से फसल उठ के आ रही है, लेकिन यह मामला जो है मध्य प्रदेश के सीधी के चुरहट थाना अंतर्गत उमरिया गांव के बतावा जा लग है, जहां किसान के खरिहान में रखी फसल में कोनो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आग लगा दी गई, जो उन्हें से लगभग 250 खाड़ी धान के जो फसल रही वह पूरी तरह से जल के खाक हो गया। प्रवचक बताया दी कि यह पूरे मामला में श्री राम तिवारी किसान जे हैं उनके द्वारा जब देखा गया तो तुरंत 100 डायल का सूचना दे गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रही, फसल जल के पूरी तरह से खाक हो चुकी रही। अपना चेक बताया दी कि उनके द्वारा जो है 100 डायल में जब सूचना दी गए तो सुबह राजस्व अधिकारी पटवारी पुलिस के साथ साथ सब कर्मचारी जो है वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मौका और मुआयना करें। सबसे बड़ी बात कि यह किसान 6 महीना से पाल के व फसल का बड़ा करत है, पालत पोसत है, फिर उसका खरिहान तक ले आवत है कि अन्न ओसे निकाला जाए, लेकिन कुछ अज्ञात लोग और शरारती लोगन के छोट का गलती या फिर कहा जाए कि शायद बदले के नियत से यकीन का घटनाक्रम बेहद दुखद है, कहे कि किसान की यह मेहनत की कमाई पूरी तरह से जल के खाक हो गए। हालांकि यह पूरे मामला व पुलिस के कहा है कि मामला की जांच की इंजाल लगी और दोषी का कोनो तरह से बक्सा न जाई। हमारे द्वारा जो है थाना प्रभारी चुरहट से बात की गए तो उनके द्वारा साफ तौर पर आश्वासन दिया गया है कि यह पूरे मामले में किसान के हर संभव मदद करे के प्रयास करावा जाए। तो पूरा मामला जो है बेहद दुखद ऐसे है, काहे कि किसान के फसल के मामला है और फसल पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी है। तो सुने किसान के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। चाचा जी, ये 5 एकड़ की पूरी फसल है, 5 एकड़ की पूरी फसल है, पूरा कटवा के पूरा अज्ञात व्यक्ति को शाम के लगा दी से आगी, रात भी रात लगाई सोई ना रात की। अपने जानकारी सुबह भाई, सुबह जानकारी मिली ऐसे चाचा के लड़के आए कहीं तू मिजवाल है तो कहना नहीं मिजवान, कहीं आगे लगी धान में, हमारे देखा थी आगे लगी रही, फिर सब पूरा गांव का स्टाफ भाई एफ आई आर करान, पुलिस वाले मौका पर ही नहीं, पटवारी साहब आए हैं, पटवारी साहब आए हैं वहाँ, हमारे लग भैया अब कुतहनी से खड़ी हैं, अच्छा कोता में दे रहे हैं, कोता में दे रहे हैं ना, कोता में दे रहे हैं तो लगवाई पड़ी लाही, अब कटाई पड़ी लाही, कई एकड़ में लगवा रहे हैं, लगवा रहे हैं 5 एकड़ में, 5 एकड़ 5 एकड़ के पूरी ही रखे रहे हैं ना, रखे रहे हैं 45 खाड़ी लगवाई रही है, 45 खाड़ी कटवाई रही, 90 खाड़ी धान का कुतहन का हमका देख रहा है, लेबर पे करे करा, तब ना अपने के बचा ना लेबर के बचा, में भोजन तक का लग गया, भोजन तक का नहीं है, भोजन कर रही और समिति कर्जा है, जुताई पड़ी लाही है ना, बीज वाले के उधार धान ले आ रहे वह पड़ी लाही, सब उधारी के काम रहा है, लेकिन एक रुपया के ही नहीं आया, कोनो खाए के नहीं आया, एक पैसा के मौके पर वार साहब आ चुके हैं, अपना जाने तक बताएं, हाँ हम सवेरे उठे 7:30-8 बजे तक, हम कहे गए आए न बाथरूम करे तो कहे धुआं देख रही आगी, गए इनके घर इनसे पूछे का भा मिजवाई लेती कहीं नहा, हम कहना आगी लगी तो उन्हें धान माही, मन भाई नहीं विश्वास, फिर दौड़ते दौड़ते आए देखे पूरा गाँव कष्टा भा, यहाँ देखे तो यहाँ पूरा खाक हो गया रहा, नहीं जितना 5 एकड़ में लगवा रहे हैं पूर्ण धान ही रखे रहे हैं, गाही खाती है ना लेबर, हाँ सब लेबर से बल की बात के लिए जाता है, ये यही लेबर लगा रहे हैं, ये 5 एकड़ में पूरी फसल लगाई गई थी, गहाई के लिए रखी गई थी, जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसको जला के नष्ट कर दिया गया है, जिसके लिए चुरहट थाना में FIR दर्ज करा दी गई है आगजनी के लिए।
ये चुरहट थाना अंतर्गत गांव ग्राम उमरिया, जो चुरहट नगर परिषद वार्ड क्रमांक 10 में आता है।